अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज सर खालिक का लास्ट डे है कॉलेज में, आज इनका रिटायरमेंट का दिन है 4 अक्टूबर 2022। और आज माशाल्लाह से सर अपनी 60 साल सर्विस मुकम्मल करके सुबहदोश हो रहे हैं, तो इस मौके पे हम सर का एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले आप वापडा में अपने कैरियर के बारे में बताएँ, आपका आगाज़ कैसे हुआ वापडा? जी मैं, जैसे आपको पता है, एमएससी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में हासिल की, उसके बाद कुछ देर तो मैं जॉब की तरफ आया जी, मेरा टारगेट कुछ और थे। बहरहाल फिर मैंने वापडा का इश्तहार देखा न्यूज़पेपर में, उसमें लिखा था जॉइन वापडा एज ए लेक्चरर। मैंने अप्लाई किया तो उस वापडा हाउस में टेस्ट हुआ, मेरे साथ मेरे कुछ क्लास फेलो भी थे, टोटल कुछ स्ट्रेंथ होगी थी हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने टेस्ट बाद में पास किया, टॉप किया था। तो वापडा ने जो चार बंदे वो ऊपर वाले फॉर्म बुलाए थे, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, तो वहाँ से जब मेरी सिलेक्शन हुई तो अपॉइंटमेंट लेटर फिर तिरपुरा डैम कर दिया सर। इस तरीके से मैंने 15 मार्च 1990 में वापडा डिग्री कॉलेज को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया। टीचिंग के शोबे में आप किससे मुतासर होकर आए थे? जी टीचिंग का अगर देखा जाए तो वो मुझे शुरू से ही शौक था, वो जो मैंने अभी आपसे बात की टारगेट कुछ और है, वो मेरा था सीएसएस की तरफ थोड़ा सा कि पहले इसको ज़रा आजमा लें फिर इधर आते, तो बाकी वरना मैंने अगर सीएसएस ना करना था तो मेरा टीचिंग की तरफ ही आना था, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी में मैं थोड़ा सा, इसलिए हमारा सब्जेक्ट में लेस काम में काफ़ी लोग जाते हैं तो वहाँ ज़रा पाबंदी होती है, तो मैं थोड़ा सा क्योंकि ग्राउंड में मैंने ज़्यादा वक्त कम ज़रा गुजारता हूँ, तो इसलिए मेरा इरादा था कि या तो लेक्चर बना जाए या सीएसएस किया जाए, तो इसलिए मैंने जो है वो टीचिंग में, हमारे बहरहाल एमएससी में एक टीचर थे जो कि अब जेईके में है, डॉक्टर साहब है, वो इतने यानी कि डिवोटेड पर्सनैलिटी थे, तो हसन सियास साहब, उनसे मैं मुतासर बड़ा हुआ, तो उनकी जो डेडिकेशन थी टूवर्ड स्टडी रिसर्च, उन्हीं से मैं बेसिकली मुतासर। सर तालीम से हट के आप और कौन सी ऐसी सरगर्मी है जिसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं? हाँ ये असल में तालीम के अलावा मैं गेम को बहुत इंजॉय करता हूँ, मैं बचपन में फुटबॉल खेलता था, फिर मैंने एनक लगी मेरी टेंथ में, तो मैंने टेंथ में क्रिकेट शुरू की, उससे पहले मैं फुटबॉल ही खेलता था, तो वॉलीबॉल तो मैंने बहुत थोड़ी देर खेली, बड़ा हर गेम को हल्का फुल्का टच मैंने ज़रूर किया, तो यहाँ आकर भी मैंने अपनी टीम एक बनाई थी बतौर लेक्चरर, मैंने अपने स्टूडेंट्स की एक टीम बनाई, हम हर टूर्नामेंट में हिस्सा लेते थे, फिर मैं ये जो तरबेला स्पोर्ट्स कमेटी है उसका मैं काफ़ी देर प्रोग्राम सेक्टर रहा, और हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम अरेंज किए, इसी तरह मैं जो हमारा ऑफिसर क्लब था उसमें भी स्पोर्ट्स सेक्टर रहा, फिर कॉलेज में भी मैं क्रिकेट का इंचार्ज था, और मैं काफ़ी इसको बोर्ड में हम विनर भी रहे हैं, इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे टूर्नामेंट, एक तो हमने नाइट टूर्नामेंट यहाँ करवाया, और मैंने जो आप देखेंगे लोग कई कहते हैं मेरी स्पिन बॉलिंग है, एक्शन मेरा फास्ट वाला होता है, भाई ये मेरा एक अंदाज़ है कि मैं आता तेज़ हूँ और बाल थोड़ी सी उतनी तेज़ नहीं होती, बहरहाल ये है कि मैंने हैट्रिक की, कई हैट्रिक की हैं और रन्स भी बनाए हैं, मैं कई दफ़ा ऊपर पे गया हूँ, कई दफ़ा जब विकटें ऊपर नीचे गिर फिर मुझे, क्योंकि मैं कुछ चौके छक्कों वाला प्लेयर नहीं हूँ, मैं वो प्लेयर हूँ जो ग्राउंड शॉट खेलते हैं और जो गैप खुद बना देते हैं फील्ड को देख कर, तो इंशाल्लाह मुझे इस पर बड़ा अबूर है, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे काफ़ी सारे यानी कि मदार त्रिबेला में मौजूद हैं। आज के असातिज़ा में और जिन असातिज़ा से आपने पढ़ा था उनमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, लेकिन आजकल की नस्ल अक्सर कह देती है जी, वो कह देते हैं जी ये बुजुर्ग वो और था जमाने में, मैं कहता हूँ कि वो बहुत ही फोकस थे, उस ज़माने में ना तो मोबाइल था, ना मोबाइल की बेल क्लास में बजती थी, ना जब वो कॉरिडोर में जा रहे होते थे उस पर बजती थी, उनके हाथ में कोई ना कोई बुक होती थी, या वो पढ़ रहे होते थे या रिसर्च पेपर लिख रहे होते थे, और इसी तरीके से उनके स्टूडेंट्स उससे मुतासर होकर भी लैब में बैठते थे। अब तो हम देखते हैं कि एक ऑफिसर भी अगर अपने दफ्तर में आए तो कभी वो व्हाट्सएप की तरफ देख रहा है, कभी वो अपने मैसेज की तरफ देख रहा है, इस तरह साइंसदानों का भी पाकिस्तान में ये हाल है, तो वो जो पहले फोकसिंग थी या डीप स्टडी थी वो अब टीचरों में नहीं है, इसी तरह उनके जो ख्याल हैं, तफक्कर हैं, फकरात हैं, उनमें जो आप कह लें कि एक गहराई थी वो आजकल नहीं है, उसकी वजह यही है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ और ये केबल ने, नेट ने और मोबाइल ने इंसान की जो बेसिकली कंसंट्रेशन थी उसको बुरी तरह बता सकते हैं, और यही फ़र्क है कि आज के टीचर में कंसंट्रेशन नहीं है मुख्तर अफाज में, और पहले टीचर की कंसंट्रेशन बात क्या समझते हैं आज के असातिज़ा तलबा को दुरुस्त में लेके जा रहे हैं, यानी पढ़ाई और तालीम का असल मकसद समझा पा रहे हैं? मेरे ख्याल में इस फील्ड में जो मेरा अपना एनालिसिस है थोड़ी सी हमें नाकामी हुई है, क्योंकि टीचर भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, पहले जब मैं बचपन में था तो मैंने कभी भी इसकी अपनी ट्यूशन नहीं देखी थी,
वो स्टूडेंट को ऐसे ही गाइड करते थे। मैंने भी इवन मैट्रिक में जो 8वीं 9वीं के स्टूडेंट्स हैं उनको इसी तरह मैथ पढ़ाया, FSC में भी पढ़ाया। टाइम भी निकलता था क्योंकि ना टीवी होता था ना मोबाइल होता था। अब मसला ये है कि वो जो टीचर है वो भी लाजमी हुआ था सोसाइटी से मुतासर हुआ है, वो भी चाहता है मेरे पास अच्छा मकान हो, अच्छी गाड़ी हो। तो वो जो किरदार को बिल्डअप करना होता था टीचर में, उसमें कमी हो गई। वो जो पहले बजबेहद होती थी जिसमें उसे बड़ों का एहतराम, सच्चाई पर डटे रहना और किसी भी महाज पर आपने गवाही देनी है तो सच बोलना है, और अगर किसी की बात करनी है तो उसूल की करनी है। अब लोग ये कहते हैं कि किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ किया जाए, किसी इंतजार में ना पड़ा जाए, झगड़े में ना पड़ा जाए, बर्दाश्त की सोसाइटी में कम हुई है। तो मेरे ख्याल में आप वो थोड़ा सा हमें करेक्टर बिल्डिंग की तरफ फिर तवज्जो करनी होगी। माशाल्लाह से आप 60 साल तालीम के शोबे से मुंसलिक रहे हैं, आप क्या समझते हैं तालीम के शोबे में कौन सी खामियां हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है? जी, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च की बड़ा बहुत बड़ा फायदा है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे PhD भी अब बहुत ज़्यादा है, MPhil भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके दूर रस नतज मरतम नहीं होते। उसकी वजह क्या है कि हमारे जो रिसर्चर हैं वो ज़्यादातर कट पेस्ट या किसी तरीके से थोड़ी बहुत रिसर्च की तो उस पर बेस करते हैं, यानी कि वो चीज़ की तय तक नहीं जाते। वो सिर्फ अपना टारगेट ये रखते हैं कि हमने डिग्री हासिल करनी है और डिग्री हासिल करके हमने किसी न किसी जगह पोस्ट पर ले लेंगे। वो ये नहीं देखते कि हमने कोई चीज़ ईजाद करनी है या किसी तय तक जाना है कि इसकी काजेज़ क्या है। मसलन अगर आप देख लें क्लाइमेट चेंज है या दूसरी हमारी चीज़ें हैं जिसमें आप कह लें कि कोई आपने मेडिसिन बनानी है जैसे कोरोना का पिछले दफ़ा आया था, तो वो जो रिसर्च वर्क है वो उसमें खामी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो हमें रिसर्च की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें देनी है। अभी आपने बताया कि रिसर्च का बहुत ज़्यादा फुकदान है, तो मौजूदा तालीमी निज़ाम से माशरे में जो मौजूद मसाइल हैं उनका कोई आपको दूर रस हल निकलता हुआ नज़र आता है? जी देखिए, ये जो मायूसी है ये तो कभी भी नहीं होनी चाहिए। यानी शायर ने भी कहा है कि जब काफिला अजमो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा, ऐ वतन की मट्टी मुझे इंडियाँ तो रोकने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा वहीं से निकलेगा। हमारे नौजवान माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो परसेंटेज है नौजवान की वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। और नौजवान ही वो चीज़ होते हैं जो किसी चीज़ का आशा पर रख सकते हैं, क्योंकि उनमें जज्बा होता है, हौसला होता है और वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वो कहते रहते हैं जी आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो हमारे तो माशाल्लाह जो मुल्क है इसमें हमारा दीन जो है ये हमें बहुत बड़ा जज्बा दूसरा अल्लाह पे यकीन, मेहनत पे यकीन, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा इंसान को उतना ही मिलता है जितना वो मेहनत करता है। सिर्फ मसला चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का है। इस मुल्क में हर चीज़ है, दरिया है, पहाड़ है, मिनरल्स हैं, सिर्फ मसला ये है कि उनको डिग आउट कैसे किया जाए, उनको वे आउट कैसे किया जाए और कैसे इन चीज़ों को हम अपने इस्तेमाल में ला सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद तो बहुत है, सिर्फ इस मेरे ख्याल में इस वक्त लीडरशिप का फुकदान है। अगर हमारी लीडरशिप इस सिलसिले में आ जाए, आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जहाँ पर IT का जो बहुत ज़्यादा बूस्टर था, तो वो IT की तरफ लोग बहुत गए और बहुत तरक्की भी हुई इस फील्ड में, बहुत सारे पाकिस्तानियों ने बाहर के मुल्क में भी अचीवमेंट हासिल की है। तो इंशाल्लाह सिर्फ इनको एक सिमत में नौजवानों को ले जाने की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में किसी चीज़ की कमी नहीं। डिग्री कॉलेज में आपने सबसे सुनहरा दौर किसका देखा? जी वो देखे जी कहते हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो न टपका आँख से वो लहू क्या है। देखिए इस तरह है कि ये जब मैं आया था 1990 में, तो उस वक्त डॉक्टर मुनीर साहब थे, उनका दौर मेरे ख्याल में बड़ा सुनहरा दौर था। और उसमें असल में कुछ आप अगर इसके फैक्टर देखें तो उस वक्त ये था कि प्राइवेट सेक्टर नहीं आया था, प्राइवेट सेक्टर के ना आने की वजह से सर ना ही मोबाइल था, ना ही केबल थी, ना TV का रिवाज था। तो यहाँ पर लोग जो थे बड़े कंपटीशन के साथ आते थे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर था नहीं और ये कॉलेज सेक्टर में सबसे बड़े नाम वाला कॉलेज था। और फिर वो पढ़ने वाले लोग होते थे तो इसलिए पढ़ाई भी अच्छी होती थी और इसी तरह जो टीचर था वो भी वेल फोकस था। फिर बाद में हुआ ऐसे है कि ये हमारे पास मोबाइल आ गया, प्राइवेट सेक्टर आ गया और जो हमारा तर्ज़ ज़िंदगी था स्टूडेंट के साथ वो हमारा रवायती किस्म का रहा, उसकी क्योंकि आप ट्रेडिशन चेंज हो चुकी है। तो अगर हम उसको चेंज कर लें
तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। बहरहाल इस दौर में उस दौर में ये फ़र्क है कि उसको डिग्री था, फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट हुआ, उसी में माशाल्लाह आप भी लोग जो है वो काफ़ी सारे हमारी पोजिशनें भी आई हैं। लेकिन अगर आप कंपेरिज़न करेंगे तो यानी कि आप कह लें कि ये डिग्री से पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हुआ इस लिहाज से बेहतर हुआ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी सुसर हुआ। लेकिन अगर आप उस फैक्टरों को जो मैंने बताए हैं उनको अगर आप देखें तो वो हमें काफ़ी इम्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे आज के दौर में बच्चों के पास मोबाइल है और फिर केबल है, नेट है, उस वजह से थोड़ी सी हमारी जो अचीवमेंट है वो मुतासर हुई है। लेकिन बी एस में अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ी कामयाबियाँ हासिल की। बतौर प्रिंसिपल आपने कितने अर्सा काम किया और इस दौर के दरमियान जो अहम वाक़ियात थे वो बता दीजिए प्लीज़। हाँ जी, देखिए जी, मैंने 31 जनवरी 2018 को चार्ज एज ए प्रिंसिपल से डाला और फिर आज मैं अपनी जिम्मेदारियों से खुश हो रहा हूँ। ये तकरीबन 4.5 साल है। जब मैं आया तो उस वक्त ये डिग्री कॉलेज था, इसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज करना था और बी एस स्टार्ट करना था, क्योंकि आई टी सी ने बी ए बी एस सी ख़त्म कर दिया था। तो मैंने आते ही अलहमदिल्ला 2 विज़िट खुद यूनिवर्सिटी के किए, बी सी से मिला, रजिस्ट्रार से मिला और फ़ौरन इसका एफिलेशन प्रोसेस जो था मुकम्मल किया। मैंने वापडा उसके कई विज़िट किए, यहाँ की अथॉरिटी जो थी उसने भरपूर ताबन किया। तो 2018 में ही हमने पहला बैच जो था वो शुरू किया। पहले हमने 3 सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में शुरू किया। फिर मैंने इसको ये था कि ये पहले सिर्फ लड़कियों के लिए था, फिर मैंने लड़कों की मंजूरी ली, ये दूसरी अचीवमेंट थी। फिर हमने ये किया कि अगले साल इसमें केमिस्ट्री भी शुरू करवा दी, फिर मैंने इस साल इसमें मैथमेटिक्स भी शुरू करा दिया। तो हर साल हम इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ गए हैं और हमारे स्टूडेंट्स की तादाद भी हर साल बढ़ी है। तो इस तरीके से हमने माशाल्लाह, और इसी तरह हमारे फैकल्टी मेंबर, जब मैंने चाह लिया तो 35 थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह 35 सेक्शन पोस्ट थी, अब हमारी 59 सेक्शन पोस्ट है और 40 इस पर काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने इस काम को बढ़ाया है और बिल्डिंग जो है वो भी हमने बढ़ाई है। यानी हमने पहले एक कैंपस था, अब 2 कैंपस किए और हमारी नई बिल्डिंग T5 वाले बना रहे हैं। वो बड़ी दिलकश होगी, हमने उन्हें कहा कि 4 कैंपस हमें बना के दें, फिलहाल उन्होंने 2 का वादा किया जहाँ हमारा स्विमिंग पूल है। इसी तरह खेल के मैदान में पहले यहाँ पर लोकली सारी मैनेजमेंट होती थी, हमने वापडा उससे ब्रिगेडियर शेख तकी साहब, उनकी मेहरबानी, हर साल आते हैं, उनको हम फेस्टिवल मनाते हैं, स्पोर्ट्स वीक को भरपूर तरीके से मनाते हैं, स्टूडेंट्स को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में यूनिवर्सिटी तक रसाई होती है, वहाँ गेम भी वो खेलते हैं और ट्यूशन भी देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी मैंने आकर इसकी चेंज की। और इसके अलावा हमने कंप्यूटर लैब लिए हैं जो कि हमारी कंप्यूटर लैब IT लैब लेटेस्ट लैब, और यहाँ पर नेट की सहूलत भी हमने ली। मैं TDP अथॉरिटी का, यहाँ के GM चीफ, DD जितने भी दूसरे से बाबू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये इसमें ज़रा भी यानी कि कहने के उसी का मुजारा नहीं किया, हमें 3 नेट कनेक्शन यहाँ से दिए हुए जो कि स्टूडेंट उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन मैंने टीचिंग स्टाफ के लिए भी काफ़ी मेहनत की है, उनके लिए 4-tier फार्मूला उनको है, और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोफेसर 20वें ग्रेड में, एसोसिएट प्रोफेसर 19वें ग्रेड में, असिस्टेंट प्रोफेसर 18वें में और 17 में काम कर रहे हैं। इसी तरह हमारा लाइट स्टाफ है, उसकी भी तादाद हमारे पास 27 के करीब है, जिसमें 21 कर रहे हैं। तो अरे उस्ताद, आपको क्या चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई और कौन सी बात बहुत बुरी भी लगी? बात पसंद ये चीज़ आई कि अगर कोई चीज़ ऐसी स्टूडेंट्स को कन्वे हो जाए, बेशक वो सब्जेक्ट की हो या सब्जेक्ट के बगैर अखलाक की हो, जिससे उसकी ज़िंदगी में चेंज आ जाए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और पसंद इसलिए ये बात आती है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम क्लास कहते हैं, जिससे हम नौजवान नस्ल से बराह रास्त रब्ता रखते हैं और उनको कन्वे अपनी जो ख्यालात हैं, अपनी तहजीब है, अपना इल्म है, उन तक पहुँचाते हैं। बाकी बुरी बात कोई नहीं लगी, बुरी बात तो ऐसी कोई भी नहीं है, माशाल्लाह माशरे में भी टीचर का बड़ा एहतराम है, तो मेरे ख्याल में सारी चीज़ें अच्छी हैं, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। तालीम के साथ साथ आप क्रिकेट के शोबे में भी बड़े मशहूर हैं, आपकी माशाल्लाह क्रिकेट जो है वो, आपकी स्पिन बॉलिंग जो है वो बड़े दूर तक मशहूर है, तो क्रिकेट के हवाले से कोई वाकया शेयर करना चाहें? और इसके अलावा आप माशाल्लाह शायरी भी करते हैं, और आपकी कोई फेयरवेल पार्टी, कोई वेलकम पार्टी ऐसी नहीं हुई जिसमें आपने कोई शायरी ना की हो, तो अगर कोई हो आपके पास कोई तो वो भी ज़रूर बताएँ। ज़रूर जी, अशार तो माशाल्लाह मुझे काफ़ी अल्लाह का करम है। बहरहाल ये है कि जो चांद अशार आपको सुना देता हूँ, वो अजनबी तो था मगर अपना बहुत लगा, वो मगरूर ही सही मगर अच्छा बहुत लगा, वो जिसके दम कदम से थी रोन के बस्ती उजड़ गई तो तनहा बहुत लगा, रेशम भी पहन के मेरी कीमत न बढ़ सकी,
फैदर भी उसके जिस्म पे महंगा बहुत है। और एक छोटी सी मेरी नज़्म है, जब से तू अपना फैसला सुना बैठा, मैं अपने शब रोज़ ही बुला बैठा, तू ना सही कोई और सही, दिल एक नई आस लगा बैठा, मिला ना तुझसा मगर कोई खालिक, सारा जहां मिला ना उस जैसा मगर कोई खालिक, सारा जहां तलाश कर बैठा, जब से तू अपना फैसला सुना बैठा, मैं अपने शब रोज़ ही बुला बैठा। इस तरह अशार तो माशाल्लाह, लेकिन यह है कि ज़िंदगी जो है वो गमी खुशी का हिस्सा है। ज़िंदगी में जब आप मुश्किल वक्त आए उससे भी आपने निकलना है, उसके बड़े आसान से टोटके हैं कि जो अल्लाह को मंजूर, ज़िंदगी ऊँच नीच इसमें हिस्सा है। तो इसी तरह जो याद एक लिखा था सिक्के पर कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और इसी तरह लबों पे हंसी जो है वो ज़्यादातर दोस्त पे खेलते हैं, वरना तो इसके बगैर शायर ने क्या कहा है कि ना आँख में आंसू ना लबों पे हंसी, ना आँख में आंसू ना लबों पे हंसी, तेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी। डिग्री कॉलेज में आपके सीनियर्स थे या आपके साथ जो आपके कोलीग थे, आप किसके साथ मुतासर हैं? देखिए जी, बतौर तो एडमिनिस्ट्रेटर या प्रिंसिपल मैं डॉक्टर मनीरुद्दीन से मुतासर हूँ, तो मैं खुद भी प्रिंसिपल हूँ लेकिन मैं उनको क्रेडिट देता हूँ। अगर जो हमने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे कोलीग थे इंग्लिश में मरूम इफ्तिखार साहब, उनका बड़ा नाम था, वो नलायक बच्चे को भी इंग्लिश में पास करवा देते थे, यहाँ इंग्लिश का बहुत बड़ा मसला था। इसी तरह मिस्री में अनवर साहब मरूम थे, निशादा खान थी, उनका बड़ा एक नाम था। इसी तरह फिजिक्स में नईम साहब थे, ज़ैदी साहब थे, मैथम साहब रावियम थे, मैथ में सलीम मुबशर साहब थे, गुमर साहब थे। ये हम ऐसी एक टीम थी कि जो स्टूडेंट आप यूँ कह लें कि उनको जैसे नॉलेज उनके दिमाग में आपने भर दिया, और वो माशाल्लाह नंबर भी बड़े अच्छे लेते थे, पूछने भी लेते थे। वो हमारा एक नेटवर्क बना था, क्योंकि शाम के बाद भी लोग कोचिंग के लिए आते थे, और वो वाकई बच्चे बड़े मेडिकल में और इधर उधर में, तो उनसे मैं बड़ा मुतासर था। फिर बायोलॉजी में यामिन साहब थे, तो इस तरीके से और हमारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हमारे कुछ मिसकुसरतियाँ थे, कामरान साहब थे, सारे अपने अपने फील्ड के बरल माहिर थे। मसला सिर्फ ये है कि आजकल जो है थोड़ा सा इसमें फुकदान आया, लेकिन नए टीचरों में भी हमारे पास काफ़ी टैलेंटेड नहीं है, लेकिन पुराने जो टीचर थे उनमें मैथ में मुझे मुशर साहब और मोहन साहब, और फिजिक्स में नईम साहब जो बहुत हो चुके हैं, अपना नाम तो मैं नहीं ले सकता, और इसी तरह इंग्लिश में जो है मलक इफ्तिखार साहब, उनका बड़ा नाम था। अगर आपको तलबा के साथ कहीं सैर व तफरी के लिए भेजा जाए तो आप कौन सी जगह जाना पसंद करेंगे? देखिए जी, कहते हैं कि मौसम जो है ना वो इंसान के अंदर होता है, जब वो अच्छा महसूस करता है, तो नौजवानों के साथ तो मुझे आप कहीं भी भेज दें, हम वहीं जो है वो आप कह लें कि खुशी के लम्हात हमारे लिए बन जाएंगे और बड़े महसूसपुर लम्हात होंगे। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो अगर हमारे पाकिस्तान में आप कहें तो लाजमी बात है कि ये हम गलियात की तरफ जाना पसंद करेंगे, और अगर बाहर के मुल्क है तो सुना है कि स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छा है, तो उसी का इंतखाब करेंगे। डिग्री कॉलेज को आप अगले 20 सालों में कहाँ देख रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल में तो बेहतरी है। देखिए, आप ये 1978 में बना तो उस वक्त ये इंटर कॉलेज था और टीचिंग स्टाफ की स्ट्रेंथ 70, फिर इसमें देखें कि 1987 में 35 हो गई टीचिंग स्टाफ की स्ट्रेंथ और ये डिग्री कॉलेज हो गया, और अब 2017 में इसकी यानी अप्रूवल हुई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की, और टीचिंग स्टाफ हो गया 59, और हमने 2018 में स्टार्ट कर दी क्लासेस। तो इसलिए मेरे ख्याल में तो ये हर लम्हा बलम्हा या आप कह लें कि हर साल बेहतरी की तरफ जा रहा है, बिल्डिंग भी बढ़ रही है, स्टूडेंट की तादाद भी बढ़ रही है, डिपार्टमेंट भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये मज़ीद तरक्की करेगा इंशाल्लाह। आपने तलबा के लिए क्या पैगाम है? जी, वो देखिए, मैंने तलबा को हमेशा कहता हूँ कि मेहनत करें, क्योंकि जो मेहनत है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका समर आपको जरूर मिलता है और आप कामयाबी की तरफ जाते हैं, और कभी भी इर्द गिर्द जो है वो आपकी जो मनफी रवैये हैं या वो आप टीवी पे देखें जैसे हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन है, सियासतदान है, इसकी तरफ ना जाएं, वो अपना एक रुख कर लें, अपनी मंजिल का तयन कर लें और मेहनत से लगन से उसकी तरफ लगे, क्योंकि बेअमल फिर हो तो जज्बात से क्या होता है, बंजर हो ज़मीन तो बरसात से क्या होता है, अमल लाजमी है तकमील तमन्ना के लिए वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सवाल है कि ज़िंदगी का निचोड़ क्या है सर? देखिए, मेरे तो ज़िंदगी का निचोड़ यह है कि ज़िंदगी में दोस्त जरूर होने चाहिए मुझ पर। जब भी कोई मुश्किल वक्त आया, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दोस्त थे जिनमें मैं वो चीज़ें शेयर कर सकता था, और उन्होंने ही मुझे जो है वो उस
चीज़ से निकाला। तो मेरे ख्याल में जो है वो दोस्त आपके हर सतह पर होने चाहिए जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकें। और दूसरा मैंने ये निकाला कि जो ज़िंदगी आसान काम नहीं है, इसमें मुश्किलें आती रहती हैं और ऊंच नीच भी आती रहती है, गम खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपने कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं, आप लम्हे भर के लिए मायूस हो सकते हैं लेकिन फिर आप उससे निकलने की कोशिश करते हैं। तो ज़िंदगी बड़ी हसीन है लेकिन बनानी आपने हसीन है। जैसा कि शायर ने कहा, ऐ शमा तेरी उम्र तभी एक रात है, इसे हंस कर गुजार दे या रो कर गुजार दे, यह आप पर मुनसर है कि आप ज़िंदगी को कैसे गुजार दें। तो खुश रहें, मेरा तो मशवरा यही है कि खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और ज़िंदगी को एंजॉय करें। का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मसरूफियात में से कि टाइम निकाला, और आपके लिए दुआ गुआ हूँ कि अल्लाह ताला आने वाली ज़िंदगी में आपके लिए आसानियाँ करें, खुशियाँ दें, राहतें दें। आमीन। सोसाइटी में पोलराइजेशन है, सियासतदान है, इसकी तरफ कर वो अपना एक रुख कर लें, अपनी नज़र का तयन कर लें और मेहनत से लगन से उसकी तरफ लगे, क्योंकि बेअमल फिर हो तो जज्बात से क्या होता है, बंजर हो ज़मीन तो बरसात से क्या होता है। अमल लाजमी है तकमील तमन्ना के लिए। मेरी तो ज़िंदगी का निचोड़ यह है कि ज़िंदगी में दो ज़मीन होते हैं मुझ पर, जब भी कोई मुश्किल वक्त आए मेरे अलहमदिल्ला ऐसे दोस्त थे जिनमें मेरा वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं और उन्होंने मुझे जो है वो उस चीज़ से निकाला। तो मेरे ख्याल में जो है वो दोस्त आपके हर सतह पर होने चाहिए जिनसे आप चीज़ें शेयर कर सकें।